अयोध्या मामले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा 18 अक्टूबर तक बहस खत्म करे फरीकी, आगे नहीं बढ़ाया जाएगा बहस का वक्त। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिजनेस फोरम में की शिरकत, कसीर मुल्की कंपनियों से भारत से तिजारती ताल्लुकात कायम करने की अपील। मरकजी वजीर हर्षवर्धन ने टीबी हारेगा मुल्क जीतेगा मुहिम का किया आगाज, कहा टीबी से नजात के लिए अवामी तावुन जरूरी। और लखनऊ में हजरत इमाम हुसैन के बेटे जैनुल आबदीन की शहादत की याद में निकला ताबूत का जुलूस, अंजुमनों ने नोहा खवानी और सीना जनी कर कर्बला के शहीदों को दिया पुरसा। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं दीबा हाशमी और अब खबरें तफसील से। अयोध्या मामले में सुनवाई के दौरान सीजेआई रंजन गोगोई ने एक बार फिर कहा है कि 18 अक्टूबर तक समाअत खत्म होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर 4 हफ्ते में हमने फैसला दे दिया तो ये एक मुजजे की तरह होगा, लेकिन अगर समाअत 18 अक्टूबर तक खत्म नहीं हुई तो फैसला मुमकिन नहीं हो पाएगा। साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा कि आज का दिन मिलाकर 18 अक्टूबर तक हमारे पास 10.5 दिन है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि 18 अक्टूबर के बाद एक भी दिन बाकी नहीं है, इसलिए फरीकीन इसी मुद्दत में समाअत पूरी करें। अभी तक 31 दिनों की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिजनेस फोरम को अहम मुकर्रर के तौर पर खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क में कॉरपोरेट टैक्स में तख़फीफ एक तारीखी कदम था, ये तो अभी एक शुरुआत है, अभी बहुत काम बाकी है। अक़वामे मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस से अलहदा ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिजनेस फोरम में कई बड़ी कंपनियों के CEO और सरकार के आला अहदेदार शामिल हुए। आलमी इस्तेहकाम की बहाली कॉन्फ्रेंस का खास एजेंडा रहा। If you want to invest in a market where there is a scale, come to India. Invest in startups, come to India. If you want to invest in one of the world's largest infrastructure ecosystem, invest in urbanization, come to India. If you want to make in India, for India and for the world, come to India. बुधवार को पीएम मोदी निवेशकों को लुभाने के लिए ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिजनेस फोरम में मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल हुए। कई बड़ी कंपनियों के CEO और सरकार के प्रमुख शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने सरकार के आर्थिक सुधारों के बारे में जानकारी दी और कहा कि उनकी सरकार कारोबार जगत का सम्मान करती है और कारोबार के लिए कड़े और बड़े फैसले करती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल ही में कॉरपोरेट टैक्स कम करने के लिए फैसला लिया है, जो निवेश बढ़ाने के लिए क्रांतिकारी और ऐतिहासिक फैसला है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने कॉरपोरेट टैक्स में भारी कमी करने का फैसला लिया है। ये निवेश के स्तर से बहुत क्रांतिकारी कदम है और इस फैसले के बाद मेरी बिजनेस वर्ल्ड में के जितने भी लोगों से बात हुई, जिनसे भी मुलाकात हुई, वो इसे बहुत ही ऐतिहासिक कदम मानते हैं। पीएम ने कहा कि सरकार ने देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। कारोबारियों को निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए पीएम ने कहा कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो तो अभी शुरुआत है, लंबा समय बाकी है। Our people are defeating poverty, moving up the economic ladder with increasing purchasing power. Thus, if you want to invest in a market where there is a scale, come to India. कैरिबियाई मुल्कों में भारत के तारीखी और गहरे रिश्तों को नई रफ्तार देते हुए न्यूयॉर्क में भारत कैरिकॉम लीडरान की पहली मीटिंग हुई। अक़वामे मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स के सालाना जलसे से अलहदा इस मीटिंग में 15 कैरिकॉम मुल्कों ने हिस्सा लिया। मीटिंग का इनेकाद हिंदुस्तान की पहल पर हुआ। इस मुलाकात में रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प था, साझा चुनौतियों से मिलकर लड़ने की प्रतिबद्धता थी, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को पहचान देने का विचार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भारत कैरिकॉम के सम्मेलन में कैरिबियाई समुदाय के नेताओं से मुलाकात की। सेंट लूसिया के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भारत
और इन देशों के बीच न सिर्फ द्विपक्षीय बल्कि क्षेत्रीय संदर्भ में भी लगातार गहरे हो रहे संबंधों पर जोर दिया गया। भारत और इन देशों के बीच न सिर्फ द्विपक्षीय बल्कि क्षेत्रीय संदर्भ में भी लगातार गहरे हो रहे संबंधों पर भी जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षमता निर्माण, विकास में मदद और आपदा प्रबंधन में सहयोग के लिए साझेदारी बढ़ाने पर भी बल दिया। साथ ही उन्होंने कैरिकॉम देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदाओं से निपटने के लिए प्रस्तावित ढांचे में शामिल होने का न्योता भी दिया। प्रधानमंत्री ने समुद्री तूफान डोरियन से हुई तबाही और बहामास में हुए नुकसान पर गहरा दुख जताया। इस तबाही से राहत के लिए भारत ने 10 लाख अमेरिकी डॉलर की त्वरित मदद दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कैरिकॉम देशों के साथ भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और विस्तार देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और कैरिकॉम नेताओं की यह पहली बैठक एक महत्वपूर्ण पहल है। हमारे देश क्लाइमेट चेंज और सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी चुनौतियों जैसे गरीबी उन्मूलन आदि का सामना कर रहे हैं। आज की बैठक का फोकस कैरिकॉम देशों के साथ भारत की भागीदारी को अतीत के अनुभव, वर्तमान की आवश्यकताओं और भविष्य की आकांक्षाओं के अनुसार एनर्जाइज करना। कैरिकॉम नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई पहल का स्वागत किया और इन प्रयासों पर पूरा समर्थन देने का आश्वासन भी दिया। मरकजी वजीर सेहत और कुनबा महबूब डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीबी हारेगा मुल्क जीतेगा मुहिम का आगाज किया। उन्होंने टीबी से मुकाबला करने में बेहतरीन काम करने वाली रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को भी एजाज से नवाजा। इसके साथ ही उन्होंने भारत टीबी रिपोर्ट 2019 भी जारी की। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर राष्ट्रीय टीबी प्रिवेलेंस सर्वे वैन को भी हरी झंडी दिखाई गई। सरकार की योजना में सबको पूरी की पूरी दवाई की उपलब्धता कराने का काम इस हमारे प्रोग्राम में टीबी हारेगा देश जीतेगा हमने व्यवस्था कर दी है। हम चाहते हैं कि सारा देश एक बार इस कैंपेन में लग जाए। अगर भारत चेचक और पोलियो जैसी बीमारी को जड़ से समाप्त कर सकता है तो वो फिर टीबी को भी जो है हरा सकता है, इसमें हमें कोई संदेह नहीं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने भारत तपेदिक रिपोर्ट 2019 को भी जारी किया, जिसमें टीबी के रोकथाम से जुड़ी देशव्यापी गतिविधियों की स्थिति को प्रकाशित किया जाता है। रिपोर्ट में टीबी की नोटिफिकेशन दर बताती है कि 2018 में टीबी जागरूकता की पहल के कारण 21.5 लाख टीबी के मामलों को नोटिफाई किया गया। राष्ट्रीय रणनीतिक योजना निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम कर रही है, जिससे 25% टीबी के मामले निजी क्षेत्रों से सूचित किए जा रहे हैं। 2017 में नोटिफाई किए गए 79% मरीज टीबी का इलाज सफलतापूर्वक करा चुके हैं। 49,733 मामले एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान के तहत ढूंढे गए। निक्षय पोषण योजना की राशि सीधे मरीजों के खातों में दी जा रही है, जिससे मरीजों को पोषण की सहायता दी जा रही है। सेवाओं के विस्तार के संबंध में 19 लाख मरीज फिक्स डोज कॉम्बिनेशन पर हैं, जो उन्हें मुफ्त उपलब्ध है। टीबी से होने वाली मौतों में 2010 के मुकाबले 82% की कमी आई है। तपेदिक को हराने की लड़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में 50 लाख से ज्यादा आबादी के राज्यों की श्रेणी में गुजरात और हिमाचल प्रदेश को सम्मानित किया गया, 50 लाख से कम आबादी की श्रेणी में सिक्किम और त्रिपुरा को और केंद्र शासित प्रदेशों में दामन दीव और पुदुचेरी को सम्मानित किया गया। हजरत इमाम हुसैन के बेटे हजरत जैनुल आबिदीन की शहादत की याद में कल लखनऊ के सज्जाद बाग में यौम सज्जाद मनाया गया और ताबूत का जुलूस निकाला गया। इससे कबल मजलिस का एहतमाम हुआ, जिसको मौलाना जाफर खान नजफी ने खिताब किया। रात भर मजलिस और मातम का सिलसिला जारी रहा। अंजुमनों ने नोहा ख्वानी और सीना जनी कर इमाम हुसैन और उनके बेटे सैयद सज्जाद को पुरसा दिया। मशहूर तारीखी राम बारात शोभा यात्रा सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दरमियान कल देर शाम आगरा में निकाली गई। शोभा यात्रा की शुरुआत समाज बहबूद के वजीर मुमलिकत डॉक्टर जी एस धर्मेश, रुकन पार्लियामेंट एस पी सिंह बघेल के जरिए भगवान राम लक्ष्मण के रूपों की आरती के साथ हुई। बैंड बाजों के साथ रथ पर विराजमान भगवान राम सीता से शादी रचाने निकले।
शोभा यात्रा की झांकियां लोगों की तवज्जो का मरकज रही। इसके अलावा आर्टिकल 370 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सफाई और माहौलियात का पैगाम देने वाली झांकियों समेत 130 झांकियां निकाली गईं। ये बारात मनकामेश्वर मंदिर से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई आज शाम निर्भय नगर इलाके में जनकपुरी पहुंचेगी। इसी के साथ आज से दो रोजा जनकपुरी जश्न शुरू होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की राम बारात प्रतिवर्ष की बात आज भी यहाँ से मनकामेश्वर जो मंदिर है यहाँ से प्रारंभ होने जा रही है और भगवान श्री राम के और लक्ष्मण जी के स्वरूप यहाँ पर विद्यमान है और आज पूरे आगरा के अंदर बड़े खुशी का माहौल है और सब जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग अपने जो लोग हैं सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जनकपुरी आयोजन समिति को बधाई देना चाहूँगा कि उत्तर भारत की सबसे भव्य गौरवमयी बड़ी और बहुत ही अच्छी राम बारात होती है। ऐसा करके ये भारत की सभ्यता संस्कृति धर्म आध्यात्म गीता पुराण महाभारत उपनिषद ऋचाएँ भारत की सांस्कृतिक धरोहर आध्यात्मिक विरासत और धार्मिक मान्यताओं को अक्षुण बनाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अवागढ़ थाना इलाके में नरौरा गांव के साबिक प्रधान को बैतुल खला की तामीर में गबन के इल्जाम में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। प्रधान पर 2,00,000 रुपए के गबन का इल्जाम था जिसकी जांच में मामला सही पाया गया। जिला मजिस्ट्रेट सुखलाल भारती ने बताया कि जल्द ही सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तकरीबन 78 ग्राम प्रधानों की जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद इन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत शिकायतें मिल रही थी पूर्व प्रधान की कि उन्होंने शौचालय बनाने के लिए 7,49,000 रुपये निकाले थे जी। लेकिन उन्होंने पैसे निकाल करके बहुत सारे लोगों के शौचालय नहीं बनाया। उस प्रकार से उन्होंने 1,97,000 रुपये का गबन किया है। उन पूर्व प्रधान शिशुपाल सिंह यादव ने और सेक्रेटरी नरेश चंद ने ये दोनों ने मिलकर के इतना गबन किया था। इनके विरुद्ध जो है जाँच करा करके और इनके विरुद्ध FIR दर्ज करा गई और प्रधान को जेल भेज दिया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ मुल्क भर में 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली मुहिम का साथ देने के लिए मुरादाबाद के दुकानदारों ने पक्का इरादा कर लिया है। उन्होंने इस मुहिम की कामयाबी के लिए अपनी दुकानों से सिंगल यूज प्लास्टिक को बाय बाय कर दिया है। वहीं सभी चाय फरोख्त करने वाले दुकानदारों ने प्लास्टिक के कप ग्लास कटोरी हटाकर कुम्हारों से मिट्टी के कुल्हड़ और ग्लास खरीद कर अपने दुकानों को सजा लिया है और अपने सार्फिन को मिट्टी के कप और ग्लास में चाय और जूस पिला रहे हैं। अब शीशे ग्लास हैं और कुल्लड़ हैं मिट्टी वाले उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लास्टिक में बीमारी फैल रही है उसकी वजह से सरकार ने जो निर्णय लिया है बहुत अच्छा लिया है। पब्लिक के फायदे आपने तो प्लास्टिक से बंद रखी है और कुछ आदमी कागज का भी इस्तेमाल कम कर रहे हैं। मतलब कुल्लड़ भी इतना ज्यादा चल रहे हैं आजकल पूरे चाय ज्यादा पसंद आ रही कुल्लड़ में। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। अयोध्या मामले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा 18 अक्टूबर तक बहस खत्म करे फरीकीन, आगे नहीं बढ़ाया जाएगा बहस का वक्त। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिजनेस फोरम में की शिरकत, कसीर मुल्की कंपनियों से भारत से तिजारती ताल्लुकात कायम करने की अपील। मरकजी वजीर हर्षवर्धन ने टीबी हारेगा मुल्क जीतेगा मुहिम का किया आगाज, कहा टीबी से नजात के लिए अवामी तावुन जरूरी। और लखनऊ में हजरत इमाम हुसैन के बेटे जैनुल आबदीन की शहादत की याद में निकला ताबूत का जुलूस, अंजुमनों ने नुहाख्वानी और सीना जनी कर करबला के शहीदों को दिया पुरसा। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। अगला उर्दू बुलेटिन 8:15 पर नशर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, आदाब।